हेलो एवरीवन, सबसे पहले मैं आपको थैंक यू कहना चाहूँगा टू बी द मोस्ट कमिटेड एस्पिरेंट्स ऑन दिस ग्रुप, बिकॉज मैंने ये देखा है कि रेगुलर बेसिस पे एस्पिरेंट्स जो हैं वो एमसीक्यूज को अटेम्प्ट कर रहे हैं और कमेंट सेक्शन में अपने मार्क्स लिख रहे हैं. सो थैंक यू वेरी मच, बिकॉज इससे ये पता चलता है दैट यू आर टेकिंग ऑल दीज वीडियोज वेरी सीरियसली और आप सीरियसली प्रिपरेशन कर रहे हैं. तो जब आपकी तरफ से सीरियसनेस आती है, मुझे भी लगता है कि मुझे भी ज़्यादा से ज़्यादा टाइम निकालकर वेरियस वीडियोस आपके लिए बनाने चाहिए. तो मुझे कुछ ऐसी चीज़ें शेयर करनी थी आपसे जो कि आपके एग्ज़ाम में, एग्ज़ाम को क्रैक करने में आपकी हेल्प कर सकती है. देखिए, किसी भी एग्ज़ाम के लिए दो चीज़ें होती हैं, एक होता है नॉलेज और एक होता है स्ट्रैटेजी. नाउ प्रॉब्लम क्या होती है कि बहुत से लोग नॉलेज पे काम करते रहते हैं और 16 घंटे 18 घंटे पढ़ने के बावजूद भी एग्ज़ाम जो होता है वो पास नहीं होता है. रीज़न बिंग स्ट्रैटेजी नहीं होती है वहाँ पर. कुछ हमें ऐसी चीज़ें करनी पड़ती हैं टाइम टू टाइम, अपनी हैबिट्स के अंदर इनकलकेट करनी पड़ती है, अपने थॉट प्रोसेसेस के अंदर इनकलकेट करनी पड़ती है, जो कि किसी भी एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए ज़रूरी होती है. तो मैं दोनों को ही, चाहे वो नॉलेज हो और चाहे वो स्ट्रैटेजी हो, दोनों को इक्वल वेटेज देता हूँ. बिकॉज नॉलेज अगर आपके पास होगी लेकिन स्ट्रैटेजी नहीं होगी तो एग्ज़ाम क्रैक करना बहुत मुश्किल हो जाएगा. लेकिन अगर आप दोनों चीज़ों को लेकर चलते हैं, आपके पास नॉलेज भी है और स्ट्रैटेजी भी है, तो एग्ज़ाम क्रैक होने के चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं. आपने बहुत बार देखा होगा कि कुछ लोग 6 घंटे पढ़ के भी एग्ज़ाम को क्रैक कर देते हैं, ऑन द अदर हैंड कुछ लोग 16 घंटे पढ़कर भी नहीं करते हैं. तो यहाँ पे सिर्फ स्ट्रैटेजी में डिफरेंस आता है. ऑल दो इसका उल्टा भी सही है, कुछ लोग 16 घंटे पढ़ के एग्जाम क्रैक कर देते हैं और 6 घंटे पढ़ के नहीं करते हैं. लेकिन वहाँ पे हमारी सिंपल सी एक्सप्लेनेशन ये होती है क्योंकि उस बंदे ने 16 घंटे पढ़ाई करी इसलिए उसका एग्जाम हो गया, जिसने 6 घंटे पढ़ाई करी उसका जो एग्जाम है वो क्रैक नहीं हुआ, राइट? तो ये एक्सप्लेनेशन हम एक सिंपल सी अपने आपको दे देते हैं. बट वट अबाउट पीपल जो कि 6 घंटे पढ़ के एग्जाम निकाल देते हैं और 16 घंटे वाले का नहीं होता है? यहाँ पे सिंपल सी एक्सप्लेनेशन दे देते हैं कि 6 घंटे वाला ज़्यादा इंटेलिजेंट होगा. लेकिन हमने बहुत से केसेस में देखा ऐसा है भी नहीं, ऐसा जरूरी नहीं है, क्योंकि 16 घंटे वाला जो इंडिविजुअल है वो कंसिस्टेंटली एग्जाम्स में टॉपर रहा है, चाहे वो स्कूल की बात करें, कॉलेज की बात करें. और जो 6 घंटे पढ़ने वाला जो कैंडिडेट है, यहाँ पे एस्पिरेंट जो है, वो ना ही उसने कॉलेज में टॉप किया ना ही स्कूल में टॉप किया, नेवरदलेस यूपीएससी का एग्जाम क्रैक कर दिया. यहां बात आती है स्ट्रेटजी की. तो यहां पे अगर आप चाहे एक एवरेज स्टूडेंट है, बिलो एवरेज स्टूडेंट है, एक्सेलेंट स्टूडेंट है, अगर आपके पास स्ट्रेटजी होगी, बिलीव मी इट इज गोइंग टू बी द बेस्ट थिंग विच यू विल हैव. तो स्ट्रेटजी जो होगी आपका सबसे पोटेंट, सबसे पावरफुल वेपन होगा किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम को निकालने के लिए, और खासतौर पर यूपीएससी के लिए, बिकॉज वहां पर कट थ्रोट कॉम्पिटिशन होता है. वहां पर स्ट्रेटजी का होना बहुत जरूरी है. आपकी स्ट्रेटजी बेस्ट होनी चाहिए आपके हिसाब से, बिकॉज ये आपके लिए वेपन होगा उस वॉर के अंदर जो आप लड़ने जा रहे हैं. दिस इज ब्रीफ इंट्रोडक्शन अबाउट मी. माई नेम इज प्रिंस लूथरा, ऑल इंडिया रैंक 577. मैं आपको अभी एक इमेज दिखाऊंगा और आप मुझे बताइएगा कि आपको क्या दिखा है उस इमेज के अंदर, और फिर हम इस पूरे कॉन्सेप्ट को, जो इमेजेस मैं आपको दिखाऊंगा, डिस्कस करेंगे आपके एग्जाम के पर्सपेक्टिव से. चलिए, तो अगर मैं आपसे पूछता हूँ कि ये बीच में क्या लिखा हुआ है, दिस, आप इसका क्या आंसर करेंगे? आई एम प्रीटी श्योर कि बहुत से लोग कहेंगे कि ये बी लिखा हुआ है. अब मैं आपसे पूछता हूँ कि ये बीच में क्या लिखा हुआ है, एंड यहाँ पे भी मैं होप करता हूँ कि बहुत से लोग कहेंगे कि 13 लिखा हुआ है, राइट? अगर आप देखें इसको और नेक्स्ट इमेज में इसको, बोथ ऑफ देम आर सेम, दोनों एक ही चीज़ लिखी हुई है, लेकिन यहाँ पर हम लोग इसे बी की तरह पढ़ रहे हैं और नेक्स्ट हम इसे यहाँ पर 13 की तरह पढ़ रहे हैं. देखिए, दोनों सेम ही है, लेकिन हमारा पर्सपेक्टिव चेंज हो जाता है किसी भी चीज़ को पढ़ने का जब हम उसको उसकी सराउंडिंग्स के साथ देखते हैं. सिमिलरली आपके लिए इंपॉर्टेंट चीज ये है यहां पर, दैट व्हेन यू स्टार्ट प्रिपेयरिंग फॉर दिस एग्जाम और एनी अदर एग्जाम, तो अपनी जो आपकी कंपनी हो ना, वो ऐसी होनी चाहिए जो आपको इस एग्जाम को क्रैक करने के लिए एनकरेज करे. क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो आपको नेगेटिविटी से भर देंगे, जो आपको ये कहेंगे कि ये आपसे एग्जाम हो ही नहीं सकता है, ये एग्जाम बहुत मुश्किल है, पासिंग परसेंटेज बहुत कम है. तो अपनी कंपनी को ऐसा रखिए जो आपके जैसी हो, जो एक्सीलेंट हो अपनी परफॉर्मेंस में, जिनके अंदर एक भूख हो इस एग्जाम को क्रैक करने की, और वो आपको भी कहीं ना कहीं एनकरेज करे और एक हेल्दी कंपटीशन डेवलप हो आप सभी के बीच में और आप ये एग्जाम कर ले. देखिए, लोग भी आपको उसी तरीके से परसीव करते हैं जैसे आपकी सराउंडिंग होती है, राइट? तो अपनी सराउंडिंग्स को, अपने फ्रेंड्स को, जो आपका फ्रेंड सर्कल होगा, वो इस तरीके से रखिए ड्यूरिंग द प्रिपरेशन एटलीस्ट, जो आपको हेल्प करे इस एग्जाम को क्रैक करने के लिए, जो आपको आपके गोल के पास लेके जाए, ना कि आपको नेगेटिविटी से भर दे और इस एग्जाम से दूर कर दे, राइट? तो पहली चीज ये है कि जो आपके आसपास आपको कंपनी बनानी है वो टॉप नॉच होनी चाहिए, वो एक्सीलेंट होनी चाहिए, वो हंग्री होने चाहिए इस एग्जाम को क्रैक करने के लिए. क्योंकि अगर वो एक्सीलेंट होंगे तो कहीं ना कहीं वो एक्सीलेंस आप में भी आ जाएगी और आपका स्कोर भी ऊपर जाएगा. तो पहली जो चीज है वो ये ध्यान रखने की आपकी जो कंपनी है वो बहुत अच्छी होनी चाहिए. नेक्स्ट चीज पे हम चलेंगे जो कि इक्वली इंपॉर्टेंट है, वो है ये जानना
कि जब आप इस एग्जाम के लिए प्रिपरेशन करना स्टार्ट करेंगे तो स्टार्टिंग में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स आपको आने वाली है। टेक द एग्जाम्पल ऑफ अ प्लेन, जब प्लेन टेक ऑफ करता है बहुत सारी टर्बुलेंस आती है। आई एम प्रीटी श्योर कि बहुत सारे लोगों ने एयर ट्रेवल किया होगा और आपको पता है कि जब टेक ऑफ हो रही होती है फ्लाइट तो शुरू में बहुत ज़्यादा टर्बुलेंस होती है, लेकिन जब वो एक पर्टिकुलर हाइट पे आपका प्लेन पहुंच जाता है उसके बाद पूरी जर्नी जो है वो स्मूथ हो जाती है। तो यहाँ पर भी यूपीएससी की जब आप प्रिपरेशन करना स्टार्ट करेंगे, हो सकता है कुछ लोगों का ये टेक ऑफ पीरियड 1 महीने का हो, कुछ लोगों के लिए टेक ऑफ पीरियड 6 महीने का हो, कुछ लोगों के लिए टर्बुलेंस का पीरियड 1 साल का हो। तो ये डिपेंड करता है पर्सन टू पर्सन। शुरू में आपको समझ में नहीं आएगा कि ऑप्शनल क्या लें, शुरू में आपको समझ नहीं आएगा कि कोचिंग लेनी चाहिए या नहीं लेनी चाहिए, लेनी चाहिए तो कहाँ से लेनी चाहिए, कौन से यूट्यूब चैनल को फॉलो करना चाहिए, कितने घंटे पढ़ाई करनी चाहिए, कितने घंटे सोना चाहिए, रिविजन कितनी देर में करनी चाहिए, बहुत सारे क्वेश्चन आपके दिमाग में आएंगे और यही होती है टर्बुलेंस। आपको बहुत सारे क्वेश्चन के आंसर मिलेंगे भी नहीं, लेकिन बिलीव मी थोड़ा टाइम लगेगा जब आपका प्लेन एक पर्टिकुलर हाइट पे पहुंच जाएगा, दैट इज जब आप उस टर्बुलेंस पीरियड से निकलना शुरू करेंगे। वो कैसे होगा, धीरे धीरे आपको अपने क्वेश्चन के आंसर मिलने लग जाएंगे दूसरे लोगों से और अपने खुद के एक्सपीरियंस से। तो बिल्कुल भी मत डरिएगा, क्योंकि शुरू का ही वो पीरियड होगा जो बहुत से लोगों को डिस्करेज कर देता है। मेजोरिटी ऑफ द पीपल शुरू में ही प्रिपरेशन को बंद कर देते हैं, लेकिन वो टाइम सिर्फ शुरू शुरू का ही रहेगा। आप अगर उस पीरियड में डटे रहते हैं तो आगे आने वाला जो पीरियड होगा वो आपके लिए काफी इजी हो जाएगा, ये ध्यान रखिएगा। तो जो शुरू के सेटबैक्स होंगे उससे डिस्करेज मत होइएगा और कंटिन्यू करते रहिएगा अपनी प्रिपरेशन को। देन अगर कभी भी आपको लगता है कि मैं इस प्रिपरेशन को छोड़ देता हूं, हमेशा ये याद रखिएगा कि आपने इस प्रिपरेशन को शुरू क्यों किया था, क्योंकि अगर शुरू करने का रीजन आपका काफी स्ट्रांग है तो आप इतनी आसानी से इस प्रिपरेशन को नहीं छोड़ेंगे। चलिए नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज को देख लेते हैं, वो है नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज है पोजीशनिंग। बाबर के बारे में ये चीज कही जाती है कि बाबर से काफी स्ट्रॉन्ग किंग्स ने बाबर के साथ वेरियस वॉर्स करी, लेकिन इवेंचुअली बाबर बहुत सारी वॉर्स में, बहुत सारी बैटल्स के अंदर जीत जाते थे। उनका रीजन यही था, दो चीजों को वो अपनाते थे जो आपको भी यूपीएससी प्रिपरेशन में अपनानी है। पहली चीज, वो असेसमेंट करते थे पूरी सिचुएशन की, अपने एनिमीज को भी असेस करते थे, अपने आप को भी असेस करते थे, सिचुएशन को भी असेस करते थे, राइट। और अगर हम बैटल ऑफ पानीपत की भी बात करते हैं जो कि बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में हुई थी, बाबर के पास कहा जाता है कि 15,000 ट्रूप्स थे लड़ने के लिए और यहाँ पे इब्राहिम लोदी के पास अराउंड 1 लाख ट्रूप्स थे लड़ाई करने के लिए, लेकिन फिर भी इसमें बाबर जीते। रीजन बीइंग उन्होंने दो चीजों को अपनाया था, फर्स्ट असेसमेंट ऑफ द सिचुएशन, सेकंड पोजीशन वन सेल्फ एज पर द सिचुएशन। तो सबसे पहले असेस करिए कि सिचुएशन क्या है, आपको असेस करना है यूपीएससी का कि ये पूछता क्या है, एग्जाम में पूछा क्या जाता है, सिलेबस क्या है, मेरे कौन कौन से स्ट्रॉन्ग एरियाज है, कौन कौन से वीक एरियाज है, फिर आपको अपने हिसाब से पोजीशन करना है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको लगता है कि मैं पॉलिटी में स्ट्रॉन्ग हूं और मैं यहां पर ज्यादा मार्क्स ग्रैब कर सकता हूं, या फिर मैं हिस्ट्री में स्ट्रॉन्ग हूं और मैं यहां पर ज्यादा मार्क्स ग्रैब कर सकता हूं, तो उस हिसाब से ही आपको अपने आपको पोजीशन करना है। पहले सिचुएशन को असेस करो, मतलब यूपीएससी के सिलेबस को पढ़ो, यूपीएससी को समझो, यूपीएससी के क्वेश्चन पेपर्स को देखो और फिर उसके हिसाब से अपने आपको पोजीशन करो। यही चीज बाबर ने करी थी पानीपत की लड़ाई के अंदर, और वहां पर इवन द लोदी के पास उनसे 6-7 गुना ज्यादा फोर्स थी, लेकिन फिर भी बाबर उसमें जीते थे बिकॉज ऑफ द टू थिंग्स, असेसमेंट एंड पोजिशनिंग। तो आपको भी यही करना है, एवरीडे बेसिस पे अपने आपको असेस करना है, एवरीडे बेसिस पे अपने आपको पोजिशन करना है। तो यहां पे जो हमारी सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो अभी हमने इस पॉइंट में पढ़ी वो है असेसमेंट एंड पोजिशनिंग। चलते हैं आज के चौथे रूल की तरफ जो आपको याद रखना है, दैट इज कीप ग्रोइंग। आपको हमेशा इस एग्जाम के प्रिपरेशन के अंदर अपने आप में इंप्रूवमेंट लाते रहना है। जब मैंने अपना पहला प्रीलिम्स दिया था, माय स्कोर वाज जस्ट 36.5 आउट ऑफ 200, तो बहुत ही ज्यादा कम स्कोर था मेरा। लेकिन यहां पर आपको करना क्या है, चाहे आपका स्कोर कम हो या आपका स्कोर ज्यादा हो, चाहे आप 50 का स्कोर करें या 150 का स्कोर कर रहे हैं, आपको कभी भी अपनी परफॉर्मेंस से सेटिस्फाइड नहीं होना है, क्योंकि अगर आप सेटिस्फाइड हो जाते हैं तो आपकी वहां पर ग्रोथ रुक जाती है। तो ग्रोथ को बढ़ने के लिए, मतलब ग्रोथ को कंटिन्यू रखने के लिए आपको हमेशा मेहनत करते रहना है और अपनी प्रेजेंट परफॉर्मेंस से डिससेटिस्फाइड रहना है। मुझे पता है बहुत से लोग कहते हैं कि सेटिस्फाइड होना चाहिए लाइफ में, बिल्कुल होना चाहिए, लेकिन यहां पर थोड़े टाइम के लिए आप अपनी परफॉर्मेंस से डिससेटिस्फाइड रहिए, क्योंकि डिससेटिस्फेक्शन विल लीड टू ग्रोथ। डिससेटिस्फेक्शन होगा तभी ग्रोथ आएगी। अगर आपके 120 मार्क्स आ गए और आप उसमें ही खुश हो गए तो आप उससे आगे बढ़ नहीं पाएंगे ज्यादा, लेकिन 150 के मार्क्स पर भी आप सेटिस्फाइड नहीं है, आपको यह पता है कि 50 मार्क्स मेरे कैसे कम हो गए 200 में से, तो आप उसकी तरफ बहुत ज्यादा मेहनत करेंगे और अपने स्कोर को 150 से 160, 70, 180 तक लेके जाएंगे। तो यहां पे आपको सेटिस्फाई नहीं होना है, ये यहां का रूल है, बिकॉज ग्रोथ रुक जाती है जब आप अपनी परफॉर्मेंस से सेटिस्फाई हो जाते हैं, तो रुकना बिल्कुल भी नहीं है। मैंने आपको चार रूल्स बताए, मैं वन बाय वन उसे बता देता हूं दोबारा से।
नंबर वन है कि आपको जो कंपनी होनी चाहिए वो एक्सीलेंट कंपनी होनी चाहिए, आपके जो आसपास के लोग होने चाहिए दे शुड बी एक्सीलेंट, आपके जो फ्रेंड्स होने चाहिए वो हंग्री होने चाहिए एग्जाम को क्रैक करने के लिए, राइट? तो पहली चीज तो हो गई आपकी कंपनी के बारे में। सेकेंड इज इनिशियल टर्बुलेंस, तो स्टार्टिंग में प्रॉब्लम सभी को आती है, मुझे भी आई थी, आपको भी आ रही होगी और आगे आने वाली जनरेशन को भी आएंगी। उस टर्बुलेंस को अगर आप फेस कर जाते हैं तो जो डेस्टिनेशन है वहां तक आप पहुंच जाएंगे, लेकिन अगर आप टर्बुलेंस को फेस नहीं कर पाएंगे, गिव अप कर देंगे, तो डेस्टिनेशन तक कभी नहीं पहुंच पाएंगे। देन नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज असेसमेंट एंड पोजिशनिंग, जो मैंने आपको बाबर की कहानी से बताया था, तो आपको भी अपने आप को असेस करना और पोजिशन करना यूपीएससी एग्जाम के लिए। फाइनली कीप ग्रोइंग, आपको बढ़ते जाना है, हमेशा अपने आप में इंप्रूवमेंट लाते जाना है। अगर आपका स्कोर अच्छा भी है तो आपको उसको बहुत अच्छा बनाना है, बेहतर बनाना है, बेहतर से भी बेहतर बनाना है, रुकना नहीं है आपको बिल्कुल भी। तो ये चीजें ध्यान रखिएगा, ये चार रूल ऐसे हैं जो मुझे लगा शायद प्रीलिम्स के एग्जाम से पहले अगर आप इन रूल्स को जान लेते हैं तो कहीं ना कहीं आपकी प्रिपरेशन में हेल्प मिलेगी, बिकॉज नॉलेज इज इंपॉर्टेंट बट स्ट्रैटेजी इज इक्वली और मे बी इवन मोर इंपॉर्टेंट। स्ट्रैटेजी होगी तो नॉलेज को भी आप अच्छे से यूज कर पाएंगे, राइट? टेलीग्राम, इंस्टाग्राम और फेसबुक के जो लिंक्स हैं वो डिस्क्रिप्शन में दिए गए हैं, इफ यू वॉन्ट टू टॉक टू मी आप वहां से मुझे अप्रोच कर सकते हैं। यू कैन सब्सक्राइब दिस चैनल, यू कैन प्रेस द बेल आइकन ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलते रहे इस चैनल से। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।